ये तुम्हारे जहेज के बैठे है ना, ये देखो ये देखो अल्लाह क्या आ गया, बेटा आ गया। अभी तो बस कर दो बेगम, अभी तो बस कर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी पार्टी शुरू नहीं मैं करो। आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये नॉर्मल बजट वाली है हमारी, बिल्कुल हमारे हिसाब से। हम कहें कि ये इतने की है या उतने की है, नहीं। ये मैं आपको चेक कराऊं, ये आपको चेक कराऊं कि ये बिल्कुल हल्की चादर की है। ये देखें, ये हमने अपनी हैसियत के मुताबिक ली है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसे हैं? जान रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बैठी हूँ अपने बेडरूम में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिशें पूरी की हैं। यकीन करो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे लिए अहमद ही सब कुछ है और अहमद की जेब से ही मैंने दहेज लेना है। वीडियो में आगे चल के आप सबके साथ शेयर किया जाएगा कि इसने क्या क्या लिया है। ये बेड है, सेट हो रहा है, ये ऊपर पंखा लगा हुआ है और तीन हमने ऐसे पंखे लिए, एक यहाँ लगाया है और एक पेटी ली है, एक छोटी पेटी ली है, ये कुर्सियां ली हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बेड जो है हमारा वो ओके हो चुका है। तो अभी राबिया इसको कहाँ, किस जगह पे सेट करना है, किस जगह पे रखना है? यहाँ पर है, इस जगह पे। कितना बोला? इतना ही रखूँ इन्हें और ऊपर पंखा भी? हाँ बोला क्या करा, बैठ तुम्हारा जोड़ मैं रहा हूँ। मैंने कहा तू ले जा। हाँ अल्लाह पाक जरूर देगा इंशाल्लाह। हाँ ये जाल ये इसके साथ रखो ऐसे ही। ये यकीन करेंगे बेड सेट करते हुए ये देखेंगे मुझे चोट लगी है, ये देखें खून निकल रहा है। ये एक पत्री नहीं, ये थोड़े खुले खुले करके मेरे ख्याल में रखे जाएंगे। ये ऐसे ही होता है, थोड़ा उसको उस तरफ करो, इसको उस तरफ करो, सेंटर में जगह थोड़ी सी छोड़ दो। ये देखो ना, ये इतना खाना तो बन गया ना, इतना खाना तो ये बीच में भी बन गया ना, तो ये इस हिसाब से बनाया जाता है ये। अच्छा जी आपने ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये हमने बेड लिया है जी। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा भी फर्नीचर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ और बिजली भी आ गई। मेरी ख्वाहिशें पूरी हैं अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की वो ख्वाहिशें पूरी करे। अक्सा भी खुश हो रही है, अक्सा भी खुश हो रही है। अक्सा अक्सा क्या आ गया, बेड आ गया? तो गद्दा क्यों छोटा है? छोटा नहीं है, बोला क्या है, क्या गद्दा प्याम है? पूरा तो है राबिया, इतना ये थोड़ा सा गैप होता है इसमें ताकि कोई चादर वगैरह ऐसे फोल्ड होके ऐसे चली जाए। तो वहां से भी तो कुछ नहीं है ना, फोल्ड यहां से भी। तो भले तुम एक काम करो ना, एक काम करो, इधर देखो इसको पूरा इधर मिला लो, इधर उस तरफ से जगह छोड़ दो, कोई तकिया वगैरह भी रखा रहता है वहां पर, बंदा टेक भी लग जाता है। नहीं देखो ना ये इसके पाए में आ रहा है ना यहाँ पर। तो अभी जी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि राबिया ने जो है आज मेरे साथ क्या सलूक किया है एक दफा फिर। अभी तो बस कर दो बेगम, अभी तो बस कर दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी पार्टी शुरू नहीं करो, अभी तो बस कर दो, अभी तो बस कर दो। नहीं अहमद देखो मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे लिए सभी कुछ तुम हो, सभी कुछ, मेरे सारे रिश्ते तुमसे शुरू होते हैं और तुम पे खत्म होते हैं। तो मेरी जो दिली ख्वाहिश थी दहेज की, मेरे वालिद ने मुझे दहेज नहीं मिला, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। मेरा 14 साल के हर औरत को अपना घर सजाने का जी बहुत शौक होता है और राबिया ने मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। 14 साल बाद मुझे ये दहेज नसीब हुआ है और मेरी जिंदगी का ये फर्स्ट बेड है, फर्स्ट मेरी जिंदगी का ये पहला बेड है जो हमारे घर का है। ये पहला बेड मेरी पूरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का नहीं, मेरी भाभियों के भी थे, बहनों के भी, तुम्हारी जिंदगी का भी ये पहला है अपना, तुम्हारा मेरा अपना। हाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बेड है जो आपके साथ जो है ना वीडियो में आपने पहले भी देखा है कि हम इसको सेट वेट कर रहे थे, तो अभी इसकी डिटेल शेयर आपके साथ करेंगे। कितना सुकून मिल रहा है। हाँ हाँ सुकून मिलेगा, अभी इसके ऊपर चादर वादर लगेगी। तो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि राबिया ने अभी और घर के लिए क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या चीजें ली हैं। तो आप सब बहन भाइयों ने हमारे साथ रहना है और हमें गाइड भी करना है और हमें बताना भी है कि ये चीज ठीक है या गलत है या क्या नहीं है। और फैन भी एक और एक एक पंखा भी हमने लगाया है, एक पंखा ये लगा हुआ है,
और एक पंखा जो है बरामदे में लगाया है और एक पंखा अभी रखा है, वो भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो ये बेड लिया है जी, ये है प्योर स्टेनलेस स्टील का, ये स्टील का बेड है, ये बनवाया है साइड पे, ये वेल्डिंग वाले से बनवाया है जी, क्योंकि मैंने राबिया को कहा था कि लकड़ी का फर्नीचर है, लेकिन राबिया ने कहा था कि लकड़ी का नहीं। उसकी वजह यह है कि ये कह रही थी कि यहाँ पर दीमक बहुत ज्यादा होती है जो लकड़ियों को खा जाती है, और वो बना के देते हैं मुझे टाली की लकड़ी का, टाली की लकड़ी को सुसरा बहुत जल्दी लगता है। और ये वाली अलमारी है जी एक जो ली है राबिया ने, ये इसमें हमारे कपड़े हैं, मेरे और राबिया के, और खोल के तो दिखाओ कितने पार्ट की है, तीन पार्ट की अलमारी ली है। ये जो अलमारी आपको पहले ओल्ड वाली दिखाई थी वो नहीं ली जी, ये नई वाली ली है, ये आप देखें, ये रोजमर्रा के कपड़े हैं, ये है तो आम चादर की। अभी क्या करें, इंसान को अपना बजट देख के चलना पड़ता है, हम कहें कि भाई हम सोने की चीज लगा लेंगे, नहीं नहीं नहीं, इंसान को अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक ये अलमारी ली है और एक ये टेबल ली है, ये मैंने अपनी पसंद से ली है और ये प्योर लकड़ी की है, और इसके ऊपर जो है ना इस्त्री वगैरह की जाएगी, इस्त्री वगैरह, और इसके मजे की बात यह है कि इसमें भी तीन खाने बने हुए हैं, इनके दरवाजों में इस्त्री वाले कपड़े रखे जाएंगे। और इसके साथ जी एक चारपाई ये ली है और एक चारपाई ये ली है, और ये वाली तो पहले आपको दिखा चुके हैं हम, दो ये चारपाइयां ली है, क्योंकि मेहमान कोई आया गया, अहमद के रिश्तेदार है मेरे वाले, मायके वालों का मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मेरे काफी कमेंट ऐसे बहन भाई ने कहते कि राबिया के मायके वाले क्यों नहीं आते, अहमद आपने अभी तक उनके मायके वालों के बारे में जिक्र नहीं किया, तो उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जी, वो हम वो क्यों नहीं आते या क्या मसला है, हाँ, या हमारी शादी कैसे हुई, ये बहुत लंबी कहानी है जो उसके ऊपर हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, और बनाएंगे भी पूरी एक घंटे की। तो जी ये एक यूपीएस स्टैंड बनवाया है मैंने, ये जो घर का बना हुआ है, ये जो टीयर वगैरह बचते थे जो हमारी छत के यहाँ के बचे थे ना, तो वो मैंने कटवा के, तो ये आप देखें कि ये मैंने वेल्डिंग वाले से हैंडमेड ये बनवाया है, ताकि तीन खाने बनवाए हैं, एक खाना ऊपर है सेंटर में और एक खाना नीचे है, ताकि इसके ऊपर कोई सामान या कोई और एक्स्ट्रा चीज जो है इसके ऊपर कोई लकड़ी का तख्ता वगैरह रख के, तो वो यहाँ पर रख दी जाएगी। बाकी ये वाली जो सप्लाई है ये यूपीएस की है, तो ये यूपीएस में इन हो जाती है और यूपीएस ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है घर की बिजली चलती है। और ये सोफे लिए हैं जी, ये भी इसी बेड के साथ के हैं, ये भी संभाले बनवाए हैं, और इसके ऊपर भी वही काम हुआ है जो बेड के ऊपर है, ये भी स्टील के पाइप लगे हुए हैं और इनकी गद्दियां वगैरह भी हैं। अभी तक इस कमरे का दरवाजा हमने नहीं लगवाया, कब से जाम हो गए थे तो मैंने बोले से कहा साफ करके ना तेल, तो उन सब चीजों के साथ फिर आपके साथ शेयर करेंगी। ये पेटी है, ये पेटी ली है, और छोटी पेटी आपको जैसे दिखाई है कि वो सामने रखी हुई है, इसके साथ फिर ये पंखा है, ये मानो हमारी पेटी के ऊपर सोती है, और ये पंखा है एक इस कमरे में जैसे आपको दिखाया है, और एक बरामदे में अभी आपको दिखाएंगे, और एक बच्चों वाले कमरे में लगेगा ऐसा, हाँ, लगा नहीं, और ये वाली जो गद्दियां हैं ये आप दिखाओ राबिया, ये सोफे की है, ये वाली जो गद्दियां हैं ये सोफे की हैं, ये सोफे की गद्दियां हैं जी, ताकि कोई मेहमान आए तो आराम से बैठ जाए सुकून से, तो ये सोफे की गद्दियां ली हैं जी हमने, और ये वाली जो पेटी है ये तो आपने देखी थी अभी, और हमने इसको ये जो मैंने पेटी ली है यहाँ पर बता रही थी, ये पेटी मेरे जेठ की है, ये उसके लिए ली है हमने, ताकि उसके कपड़े वगैरह फालतू सामान वगैरह वो जो रखता है तो वो इसमें रख के ताला मार सकता है अपने पर्सनल चीजें। तो ये वाली जो पेटी है जी ये मेरी अम्मी वाली है जो हमने आपको दिखाई थी, तो इसको साफ सुथरा करके हमने उसको कलर वगैरह करके साफ सुथरा करके तो इसको हमने इसके साथ यहाँ पर रख दिया है। तो अभी चलते हैं दूसरे कमरे में और बरामदे में। तो यहाँ पर जी है ये किचन, और किचन के अंदर राबिया ने मेरे ख्याल में इफ्तिताह कर दिया है, तो अभी मैं सोच रहा था कि ये किचन का काम जैसे ही घर का जो है ना थोड़ा बहुत काम खत्म होता है तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको स्लेपे वगैरह लगवा के तो ये भी ओके हो जाए, ताकि राबिया को मुसलसल परेशानी ना रहे। तो एक पंखा उसके साथ का ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा होगा चलता हुआ, और ये यहाँ पर चल रहा है, हाँ किचन दिखाया है मैंने, और ये अभी इस वक्त हम हैं जी बरामदे में, और ये बच्चों का सामान सारा जो है ना हमें बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान किया होता, हम सायों के घर भाग जाते थे कार्टून देखने के लिए, तो ये उनका चल गया था, बहुत खुश हुए,
स्कूल से आके यूनिफॉर्म उतारा नहीं है कि सो गए। अभी देखें ये उनका स्कूल के बैग्स भी यहाँ पड़े हुए हैं, अभी यही पढ़ रहे थे तो अभी बाहर चले गए। तो अभी इस कमरे में चलो इसकी लाइटिंग ऑन करो और इस कमरे की अपडेट दो। अक्सर बहन भाई कहते भी है ना कि आपने अपना घर नहीं दिखाया, तो इस वक्त है मैं जी इस कमरे में और बस। तो ये वाली अलमारी ली है राबिया ने बच्चों के लिए, ये भी जरा चेक कराओ। ये अलमारी है बच्चों के लिए जी, ये भी तीन पार्ट की है, इसमें बच्चों के स्कूल वगैरह जवाब के बच्चे नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये नॉर्मल बजट वाली है हमारी, बिल्कुल हमारे हिसाब से, हम कहें कि ये इतने की है या उतने की है नहीं। ये मैं आपको चेक कराऊं, ये आपको चेक कराऊं कि ये बिल्कुल हल्की चादर की है, ये देखें, ये हमने अपनी हैसियत के मुताबिक ली है। और ये अक्सा का दराज है और इसके अंदर बच्चों का सामान वगैरह सब कुछ अलग करके रखा हुआ है जी। और वो हमारा कराची वाला जूसर ब्लेंडर है जो हमने कराची में लिया था, वो इस्त्री है। और ये कुछ, ये हमारा कराची वाला छत वाला पंखा है और वो जो पंखा आपको मैंने दिखाया है वो यहाँ पर लगेगा। और एक ये जूसर ब्लेंडर अभी राबिया ने लिया है ताकि कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो ये ज्यादा अच्छे वाला है, नेशनल पैनासोनिक का है, तो ये अच्छे वाला है। और यहाँ से हमारा इनसाइड वॉशरूम है, इस कमरे में भी अटैच है और उस कमरे में भी अटैच है। इसकी लाइटिंग ऑन करो जरा, ऐसे निकल के उस कमरे में जाएंगे। लाइटिंग ऑन, तो यहाँ से वॉशरूम जा रहा है और यूं भी। और इसका हमने इनर रास्ता, ये आप देखेंगे ये दोनों कमरों का टच हो रहा है, कोई अंदर से लॉक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेहमान इस कमरे में रुकते हैं तो फिर इसको लॉक करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने दो बल्ब लगवाए हैं और इसके ऊपर अभी टैंकी रखवानी है, सिर्फ दो बल्ब लगवाए हैं इसके ऊपर, इसलिए कि जो है ना अल्लाह आपका भला करे, एक मैंने यूपीएस के ऊपर लगवाया है और एक जो है वो बिजली के ऊपर है, ताकि इसकी लाइट बंद ना हो, मेहमानों को परेशानी ना हो। तो आप में से कौन कौन तैयार है हमारे घर आने के लिए कमेंट में आपने हमें लाजमी बताना है। हाँ जी, और अभी मैं अनाउंसमेंट दो दिन के बाद करूंगी, ये हम मिलाद करवा लें घर का, कुरान खानी करवा लें घर की, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना। किसकी अलमारी है ये, किसकी है, तुम्हारा कौन सा खाना है इसमें से, वो वाला खाना है इसका नहीं, और कौन सा वाला खाना है तुम्हारा, हाँ। तुम्हारे कपड़े इस वाले में रखे हुए हैं, ऊपर वाले में, ऊपर शीशे वाला तुमने लिया है खाना, वाह जी वाह। तो ये थी हमारी घर की अपडेट और जो हमने सामान वगैरह परचेज किया है ये सब आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी, आपके बगैर हम कुछ नहीं है, हम जब तक आपके साथ अपनी चीजें एक एक चीज और एक एक लाइफ आपके साथ शेयर ना कर लें। यहाँ पर अक्सर पता है किस चीज के कमेंट आएंगे कि सुकून नहीं मिलता, एक चीज का कमेंट जरूर आएगा कि एक चीज की कमी है घर में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। यहाँ पर जी अक्सर मुझे पता है कि एक चीज की कमी महसूस करेंगे देखने वाले हैं कि आप राबिया को जो है ना फ्रिज ला के दें। तो बहन भाई कहते कि अभी फर्नीचर बाकी है, तो जी हमने आपके साथ शेयर किया है जो हमने शॉपिंग वगैरह की है, अभी बाकी रह गया है बिस्तर, बाकी है बिस्तर और बेड की चादर, पेटियों के कपड़े और अंदर जो सतील बनाई है उसका कपड़ा, हाँ ये चीजें जी अभी बाकी है, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज में शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे जी इजाजत इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटे और खुशियाँ लेते रहें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मिसेज अहमद रजा को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।